नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वुवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् वंदित्तु सर्वसिद्धे भुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत शक्तिया उल्लसितुं यद्यपि आत्म राम ज्ञान मात्र के ज्ञान को सैतालीस बखान। आचार्य कुंदकुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका परिशिष्ट के अंतर्गत ज्ञान मात्र आत्मा को स्यादवाद से स्पष्ट करते हुए स्यादवाद में स्यात माने किसी अपेक्षा कथनचित वो कथनचित शब्द में थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कुछ परसेंट बांट दिया गया हो कथनचित माने किंचित थोड़ा सा तो वो कथनचित शब्द वास्तव में मात्रावाची नहीं है वहाँ अपेक्षावाची है किसी अपेक्षा कथनचित माने किसी अपेक्षा जिसे ज्ञान मात्र कहा गया है वास्तव वो भी किसी अपेक्षा कहा है क्या अपेक्षा है आत्मद्रव्य का लक्षण पूर्वक ज्ञान कराना और उस लक्षण पूर्वक ज्ञान कराने की अपेक्षा ज्ञान मात्र कह दिया लेकिन उससे कोई एकांत न समझ ले इसलिए उसे यहाँ पुनः वह अनंत धर्मात्मक है तो उसके अनंत धर्मात्मक पने की सिद्धि करते हुए पुनः ज्ञान मात्र भाव में ही जो अनंत शक्तियाँ उछल रही है ज्ञान मात्र भाव में भले ज्ञान मात्र कहा लेकिन वह आत्मद्रव्य है पूरा ज्ञान मात्र इस लक्षण से लक्षित जो आत्मद्रव्य है वो आत्मद्रव्य उसमें ज्ञान जैसे अनंत शक्तियाँ उछलती हैं ज्ञान लक्षण से लक्ष्यभूत आत्मा प्रसिद्ध करना है। अभी इससे पहले जो प्रकरण था भूमिका वाला उसमें ये बात भी ली इस लक्षण से लक्ष्यभूत जो आत्मा प्रसिद्ध करना है या होना है वो कैसा है माने इस लक्षण से यदि आत्मा प्रसिद्ध हो रहा हो वह आत्मा भी ज्ञान पने से प्रसिद्ध होना चाहिए माने कोई द्रव्य है ऐसा अकेला ख्याल में आ गया तो समझ लेना वह आत्मा की प्रसिद्धि नहीं हुई है उस लक्षण से भी ज्ञान स्वरूप ही प्रसिद्ध होना चाहिए बस इतना है कि पूरा द्रव्य ख्याल में आ जाना चाहिए ज्ञान लक्षण से लक्षित वह पूरा द्रव्य ख्याल में आना चाहिए क्योंकि वे अनंत धर्म
उसके साथ में अविनाभावी हैं। अभी जो अपन मंगलाचरण का दोहा पढ़ रहे थे, इसमें भी ये कहा है तो अनंत शक्तियाँ, लेकिन उसमें से जिन 47 की बात यहाँ मुख्य रूप से कर रहे हैं, वे ज्ञान मात्र के ज्ञान को, तो ज्ञान मात्र के ज्ञान को माने, तो ज्ञान के ज्ञान को, तो ज्ञान के ज्ञान को नहीं, ज्ञान मात्र ऐसा जो आत्मा है, ज्ञान से लक्षित जो आत्मा है, वह उसके ही प्रसिद्धि के लिए, वह हमें अच्छी तरह से स्पष्ट हो, अच्छी तरह से ख्याल में आए, उसकी महिमा आवे, इसके लिए इन 47 की मुख्यता से बात कर रहे हैं। और इन 47 में भी देखेंगे प्रारंभ की बहुत सारी शक्तियाँ ज्ञान की विशेषता से संबंधित ही है, क्रम से अभी चर्चा करते हुए चलेंगे जहाँ तक ज्ञान सीधे ज्ञान के स्वरूप से संबंधित, लेकिन बाद की भी शक्तियाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज्ञान पने को या ज्ञान से ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मद्रव्य को, और वो आत्मद्रव्य की सिद्धि करते समय भी ज्ञान की मुख्यता से, जैसे मैंने अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व की बात की थी, अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व, अकर्तृत्व शक्ति तो आत्मा अकर्ता है, अभोक्तृत्व शक्ति आत्मा अभोक्ता है, लेकिन कहते वो किसका अकर्ता है कि ज्ञायक भाव से अतिरिक्त जो कर्म कृत रागादि परिणाम उनका करता है, लेकिन ज्ञायक भाव से अतिरिक्त, तो ज्ञायक को मुख्य रखते हुए माने उसका अकर्तापना नहीं कह रहे हैं, उसका अभोक्तापना नहीं कह रहे हैं, भाव शक्ति कर्तृ शक्ति उनमें भी वो ज्ञानपने से सहज जो हो रहा है उसको तो स्वीकार किया, अब बाकी का निषेध है, माने वो मानो व सारी शक्तियाँ वो ज्ञान मात्र की या ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा की प्रसिद्धि के लिए ही उछल रही हो, या हमारे चित्त में उछलनी चाहिए, इस रूप में उछलनी चाहिए कि उनके स्वरूप से आत्मा ख्याल में आए, आत्मा की तरफ दृष्टि जावे। पहली शक्ति की अपन ने चर्चा की थी और आज तीन शक्तियों की चर्चा करनी है, और यहाँ ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका में वह एक पेज पर एक साथ वो तीन शक्तियाँ एक साथ ही ली गई हैं, वैसे वो एक साथ अपन ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि संस्कृत वाली ऊपर की पंक्ति में क्रमशः चल रही है, फिर हिंदी में एक दो तीन अंक देते हुए उनका विश्लेषण अलग अलग किया हुआ है, लेकिन लिया यहाँ एक साथ हैं। सबसे पहली शक्ति कौन सी? जीवत्व शक्ति। क्यों? क्योंकि षड द्रव्यात्मक लोक में आत्मा कौन सा द्रव्य है? ये जीव द्रव्य है, तो उसका वह जीवपना, उस जीवपने का निर्णय कराने के लिए, उसके द्रव्यपने का निर्णय कराने के लिए सबसे पहली जीवत्व शक्ति ली गई है। क्या लक्षण कहा था? कंठस्थ भी हो जाना चाहिए, क्योंकि एक एक पंक्ति की शक्ति एक एक पंक्ति में विश्लेषण किया हुआ है, आगे आगे की शक्तियाँ तो और छोटी छोटी हैं, एक आध जगह ही थोड़ा सा विस्तार से आएगा, बाकी सब बहुत संक्षेप में है। दो बातें कही थी, एक लक्षण और प्रयोजन। लक्षण क्या है? लक्षण नहीं है, वो हेतु है, प्रयोजन है। चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षण, चैतन्य मात्र भाव को धारण किए रहना, ये लक्षण, ऐसे लक्षण वाली जीवत्व शक्ति। और कैसी? कि आत्मद्रव्य हेतु भूत, वो चैतन्य मात्र उसका भाव प्राण कैसा है? वो आत्मद्रव्य का हेतु भूत है। आत्मद्रव्य के हेतु का अर्थ ये नहीं समझ लेना, कल आपके निमित्त उपादान की गोष्ठी थी,
तो उसमें जो हेतु शब्द का प्रयोग अलंग्य शक्ति भवितव्य तेयम हेतु द्वयाष्कृत कार्य लिंगा, तो दो हेतु द्वयाष्कृत दो हेतुओं से कार्य होता है, तो वहाँ जो हेतु कहा गया कारण के रूप में कहा, निमित्त कारण उपादान कारण इन दोनों कारणों से कार्य होता है। तो क्या आत्मद्रव्य का कारण जीवत्व शक्ति है, कारण है, माने आत्मद्रव्य नहीं था और जीवत्व शक्ति ने उसे उत्पन्न किया। यदि आत्मद्रव्य के कारण के रूप में उसे लेते हैं तो फिर आगे एक शक्ति आने वाली है अकार्य कारणत्व शक्ति, माने आत्मद्रव्य न किसी का कार्य है न किसी का कारण है। तो कार्य ही नहीं है तो उसके हेतु कारण होने का तो प्रश्न नहीं है, तो फिर यह हेतु का अर्थ क्या लेना है, तो हेतु का अर्थ लेना है, हेतु का अर्थ सब जगह उत्पादक कारक करने वाला ऐसा ही तो नहीं होता ना। न्याय शास्त्र में जो हेतु शब्द का प्रयोग है वो उत्पन्न करने के अर्थ में तो नहीं है, तो किस अर्थ में है, अनुमान में साधनात् साध्य विज्ञानम, वो साधन माने हेतु, माने उस हेतु के माध्यम से जिसको हम जानना चाहते उसका ज्ञान होता है, अनुमान ज्ञान होता है, तो अनुमान ज्ञान कराने वाला है। दूसरा कारण के रूप में हम इस रूप में भी कहते हैं ना, कारक और ज्ञापक हेतु को ऐसा भी कहते हैं, कारक हेतु और ज्ञापक हेतु। कारक हेतु तो उसको कदाचित कराने में उपादान है तो कराता ही है, करता ही है, और यदि निमित्त है तो व्यवहार से उसको भी कर्ता कह देते हैं, कारक कह देते हैं, परंतु जो ज्ञापक हेतु है वो ज्ञान कराता है। ऐसा ही ये आत्मद्रव्य है, ये कैसे जाना जाता है, ये आत्मद्रव्य की सिद्धि करने, ये आत्मद्रव्य है कि किसके आधार से, वो जीवत्व शक्ति के आधार से, जीव है ना इसलिए वह आत्मद्रव्य। वैसे जीवत्व शक्ति को जोड़ो या आत्मद्रव्य का हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव प्राण, सीधे उसको मत जोड़ा, मैं अभी अपन उसके साथ जोड़ रहे थे जीवत्व शक्ति को, आत्मद्रव्य की हेतुभूत, अभी उसे जोड़ो आप चैतन्य मात्र भाव के साथ जोड़िए। चैतन्य मात्र भाव को धारण करना ये लक्षण है जीवत्व शक्ति का, लेकिन वह चैतन्य मात्र भाव कैसा है, ये आत्मद्रव्य का हेतु है, ये आत्मा है इसका हेतु वो चैतन्य मात्र भाव है। अब अगली शक्ति कौन सी आ रही है, तो वो शक्ति तो आगे आ ही रही है, चैतन्य मात्र भाव जिसकी बात कर रहे हैं वो आगे ही आ रही है, तो यहाँ फिर जीवत्व शक्ति के रूप में उसे कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। अभी तो हम बस चैतन्य 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 है अनादि काल से, और उस चैतन्य भाव से जब जीव की व्याख्या करते हैं तो जीता था, जी रहा है और जिएगा। अब वहाँ तो जीवति जीवेश्यति और अजी जीवत ऐसा लिया, वहाँ पहले जीवति से लिया, जीवति जीवेश्यति और अजी जीवत, जी रहा है जिएगा और भूतकाल में भी जी चुका, किसके आधार से, वो चैतन्य पने से अनादि काल से जी रहा है, जीता था जिएगा, इसलिए वो जीव है और ये उसकी वो जीवत्व शक्ति है। अगली शक्ति की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी शक्ति बहुत संक्षेप में, अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति। दूसरी शक्ति कौन सी है, चिति शक्ति, और क्या लक्षण है उसका, अजड़त्वात्मिका, अजड़त्व रूप, अजड़त्व स्वरूप वह चिति शक्ति है। अजड़त्व माने जड़त्व नहीं, तो जड़त्व माने मेरे ख्याल से सिंधी भाषा में मूर्ख होता है ना, मूर्ख,
उसको बोलते हैं जाड़िया या जड़िया या ऐसा कुछ कहते हैं ना, वो जड़। और अपन भी कहते हैं ना जड़ बुद्धि है, लेकिन अल्प बुद्धि मूर्खता के अर्थ में न लेते हुए सीधा, अच्छा जड़ माने मूर्तिक भी नहीं लेना है, जड़ माने मूर्तिक भी नहीं लेना है, जड़ माने चैतन्य पने से रहित, जो भी चैतन्यता से रहित है वह सब जड़ है, चैतन्यता से रहित। जब द्रव्यों का बंटवारा दो भागों में करते हैं तो जिस तरह से जीव अजीव के रूप में करते हैं उसी को दूसरी भाषा में चेतन अचेतन इस रूप में भी कहते हैं, अन्य जगत सारा चराचर जगत ऐसा भी कहता है चराचर, लेकिन मुझे लगता है वहाँ चराचर कहने में चर माने जो चंचल है चलायमान है और अचर माने वो स्थिर है, वो उस अर्थ में कदाचित हो, लेकिन अपन चेतन अचेतन इस रूप में भी करते हैं। तो उसमें से चेतन वाला तो एक ही द्रव्य है, बाकी सब अचेतन है इसलिए वो जड़ है, बाकी के पांचों द्रव्य जड़, अकेला पुद्गल नहीं, बाकी के पांचों ही द्रव्य जड़ है। और यह जीव जड़ रूप नहीं होता अजड़त्वात्मिका, क्यों नहीं होता, किस कारण से नहीं होता, क्या विशेषता उसमें ऐसी है जिसके कारण नहीं होता, कहते वो चिति शक्ति है। माने जो शक्ति आत्मद्रव्य को जड़ रूप नहीं होने देती है वह चिति शक्ति है, चिति शक्ति के कारण अजड़ है, जड़ नहीं होता। अनादिकाल से देह में रह रहा है, अनादिकाल से कर्म सहित है, कर्मों के बीच में रह रहा है, पर निरंतर छह द्रव्यों के बीच रह रहा है वो तो ठीक है, उनके साथ रहने में तो एक क्षेत्रावगा संबंध मात्र है, एक क्षेत्रावगा संबंध, लेकिन देह और कर्म के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध और है। वो देह में अकेला जैसे आकाश में रह रहा है, धर्म अधर्म द्रव्य के भी बीच में रह रहा है, इनके साथ एक क्षेत्रावगा रूप से रह रहा है, इनका भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु इसके पर्यायों में जो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय कही गई उसमें अर्थ पर्याय में जो विभाव अर्थ पर्याय है उस विभाव अर्थ पर्याय में निमित्त बनना, विभाव व्यंजन पर्याय में भी तो शरीर का संयोग है, उसके कारण से जो आकार इसका बन रहा है वो इसके विभाव व्यंजन पर्याय है, मोह राग द्वेषादि विकारी भाव हो रहे हैं, सुख दुख का वेदन कर रहा है, ये जो उसके कर्म के निमित्त से हो रहे हैं इसकी विभाव अर्थ पर्याय, इनमें जो निमित्त बन रहे हैं ऐसे कर्मों का संयोग देह का संयोग माने एक तरह से जिस पर प्रभाव डाल रहे हैं, धर्म अधर्म आदि के बीच में रहते हुए इसको इतना प्रभावित नहीं कर रहे हैं, वे इसे एक तरह से जड़ की तरफ खींच नहीं रहे हैं, जड़ की जड़ पने की तरफ आकर्षित नहीं कर रहे हैं, लेकिन देह जड़ जैसी बना दे रही है, देह के संयोग और कर्म के संयोग के कारण इस जीव को व्यवहार से मूर्तिक कहा जाता है, ये तो अमूर्तिक लेकिन व्यवहार से मूर्तिक है, व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, इनके बंधन इनके संयोग के कारण से इसे मूर्तिक कहते हैं, तो अमूर्तिक होते हुए इसको मूर्तिक जैसा कहा जा रहा है, इनके बीच में रहते हुए उस देह को एक छोड़ता है दूसरी ग्रहण करता है, एक छोड़ता है दूसरी ग्रहण करता है, अनेकों देह में रह रहा है, कर्म के उदय के अनुसार निरंतर कुछ न कुछ हो ही रहा है,
इतना सब होते हुए भी वे प्रभावित कर रहे हैं निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से, लेकिन प्रभावित करते हुए भी इतना प्रभावित नहीं कर रहे हैं कि वे उसे जड़ कर देवे, जड़ बना दे। कभी 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 ऐसा कहते हैं कि भाई किसी चीज़ को किसी संयोग में लोहा ही है पानी में पड़ा रहे, अभी वैसे पानी गिर जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार पड़ा रहे तो क्या हो जाएगा, जंग चढ़ जाएगी, जंग लग जाएगी। तो लगातार पानी में पड़े रहने से जंग लग गई, ऐसा ही अनादि से जड़ के बीच में रह रहा है तो जड़ हुआ नहीं ना, जड़ नहीं हो पाया, वे उसे जड़ नहीं कर क्यों नहीं कर पाए, ये कहते चिति शक्ति के कारण से। ये चैतन्य शक्ति चिति शक्ति इसमें ऐसी है जिसके कारण से ये जड़ रूप नहीं होता, अनादि से अनंत काल तक बराबर चैतन्य रूप रहता है, इस चिति शक्ति के कारण से जड़ नहीं होता। तो बस वो अजड़त्वात्मिका, देह रूप नहीं होता, कर्म रूप नहीं होता। अपन ने प्रारंभ तो यहीं से की थी, अकेला इसमें पुद्गल नहीं लेना है, तो धर्म अधर्म आकाश काल के बीच में रहते हुए भी उन रूप नहीं होता है, अजीव अजीवों के बीच में रहते हुए भी अजीव नहीं होता है। लोक में ऐसा होता है ना, कि किसी नगर में सारे परिवार किसी अन्य जाति के हो, अब ये जाति का नाम लेने में भी डर लगता है कोई क्या, और अब ऐसा तो कह सकते हैं ना, हिंदू और नॉन हिंदू इतना तो कह सकते हैं, अहिंदू हो, सारे परिवार हिंदू हैं और एक अहिंदू है, अब कितने दिन तक अहिंदू रहेगा। अपन जैन समझ लो, जैन ही एक परिवार हो और सब हिंदुओं के बीच में रह रहे हो तो धीरे 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 क्या हो जाता है, उनके सारे जैनत्व के संस्कार चले जाते हैं और हिंदू हो जाता है, और उल्टा भी हो जाता है, पूरा परिवार जैन जैन ही पूरे हो और एकादि परिवार हिंदू और कोई हो, उनके बीच में रहते रहते उन्हीं के जैसा हो जाता है। परंतु ये द्रव्यों के संदर्भ में कह रहे हैं। अब द्रव्यों की अपन ने संख्यावाची बात की, वहाँ संख्या ज़्यादा है ना उनकी, और ये तो कम संख्या वाला है इसलिए वो उसके अनुसार हो गया उनके साथ साथ में। धर्म अधर्म आकाश वे तो एक एक ही, वो बेचारे क्या प्रभाव डालेंगे, बहुमति नहीं है उनका। काल द्रव्य है तो बहुत लेकिन असंख्यात है, और वो भी बिखरा हुआ है, एक प्रदेश पे एक एक, एक प्रदेश पे एक एक ऐसा बिखरा हुआ है। अब दो द्रव्यों का ही है झगड़ा, जीव और पुद्गल, अब उनमें किसकी कितनी संख्या, संख्या की दृष्टि से जीव कितने अनंत और पुद्गल अनंत अनंत, एक एक जीव के साथ कितना पुद्गल लगा हुआ है देख लो, अपने ही साथ देखो ना, एक जीव के साथ कितना पुद्गल लगा हुआ है, शरीर का संयोग, शरीर का जो संयोग है ना, कितने शरीर है भी हमारे साथ में, कितने शरीर है, हाँ जी तीन शरीर है, ये दिख रहा है ये औदारिक शरीर, फिर कारमान शरीर और तेजस शरीर, तो तीन शरीर है ना, और तीन शरीर है तो तीनों की वर्गणाएं होंगी, या आहार वर्गणा से बना हुआ, वो कर्म वर्गणा से बना हुआ, कारमान वर्गणा से कारमान शरीर, और तेजस तेजस वर्गणा से, तो उनकी वर्गणा और वर्गणा है, तो वर्गणा स्कंद रूप है, तो जो अणु परमाणु कितने हैं उसमें अनंत परमाणु, तो हर एक के अनंत अनंत परमाणु हैं, और इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी
वो जो कर्म बंधने के लिए तैयार रहते हैं वो कौन से कहलाते हैं? बस अभी जीव विकार करेगा और तत्काल बंध जाएंगे, कौन सा कर्म कहलाते हैं? बिल्कुल तैयार हा? कोई शब्द है ना ऐसा विशिष्ट? मेरे ख्याल से विश्रसोपचय ऐसा शब्द देते हैं ना, यही शब्द होना चाहिए, करणानुयोग से मिला लेना उसको। तो के विश्रसोपचय माने अभी आपने किया और बंधने के लिए, तो वो भी यहाँ है अपने ही साथ में यहीं पर, वो आपने किया और बंधने के लिए तैयार, ऐसे कर्म परमाणु भी है। और इतना ही नहीं है, कितने रोगाणु है, कितने जीवाणु है, और आजकल के ज़माने में तो इन्फेक्टेड ही इन्फेक्टेड है सब कुछ, तो अंदर कितने हैं। अब वे जो है ना, वे अब उनके साथ भी सब ऐसे ही, उनका भी औदारिक शरीर है, उनका भी कार्बन शरीर है, उनके भी वे भी सब यही। कहने का अर्थ एक जीव और एक जीव के साथ इतने पुद्गल, तो ये सारे पुद्गल मिल करके भी इसको जड़ नहीं बना सकते, क्योंकि चिति शक्ति है वो जो इसे जड़ रूप नहीं होने देती है, वह चिति शक्ति है, अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति। तो अभी तो कहा था चैतन्य मात्र भाव प्राण धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति, तो वहाँ तो आ गई थी ना, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? वो जीवत्व शक्ति और चिति शक्ति है चैतन्य पने से ही संबंधित जीवत्व शक्ति, लेकिन वहाँ जीने की मुख्यता लेनी है। वह अनादि से अनंत काल तक जीव जीता है, जीवित है, वो जीवन की दृष्टि से लेना है उसका, वो जीवन है, जीवत्व शक्ति लेनी है। और वो जो अनादि अनंत जी रहा है, वह कैसा जी रहा है, किस रूप में जी रहा है, कि चैतन्य पने से जी रहा है वो चित। और वह चैतन्य पने से क्यों जी रहा है? इस चिति शक्ति के कारण से, वो चिति शक्ति। दूसरा अंतर ये दिया, चिति शक्ति लक्षण है और जीवत्व शक्ति लक्ष्य है। जीवत्व शक्ति से संपन्न जीव व लक्ष्य है, और चिति शक्ति चैतन्य वाली ये जो है ये उसका लक्षण है। तो इतना अंतर इन दोनों शक्तियों में समझ लेना। चिति क्या होती है? चिति माने क्या? चिति माने चेतना, चैतन्यपना। तो चैतन्यपना माने क्या? तो चैतन्यपना या चेतना जो है वह दो रूप में होती है, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। वह इसलिए अगली दो शक्तियाँ उसी से संबंधित है, दर्शन और ज्ञान, है ना? क्योंकि शक्ति का प्रकरण है इसलिए दर्शन और ज्ञान को यहाँ शक्ति के रूप में लेते हुए बात कर रहे हैं, उनका भी संक्षेप में लक्षण देते हैं। दोनों एक साथ ही लिए इसलिए दोनों की चर्चा भी नीचे एक साथ ही की गई है। उससे पहले अपन यहाँ हिंदी में विशेष जो दिया हुआ है ज्ञायक व प्रबोधिनी टीका में, उतना चिति शक्ति संबंधित उतना पढ़ लेते हैं, फिर इन दोनों शक्ति के संबंध में चर्चा करते हैं। चिति शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, अजड़त्व अर्थात जड़ रूप नहीं होना, चेतन रूप होना है लक्षण जिसका, उसे चिति शक्ति कहते हैं। जीवत्व शक्ति से संपन्न आत्मा में चिति नामक एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण ही आत्मा जड़ रूप नहीं है या जड़ रूप नहीं होता। यही कारण है कि इस चिति शक्ति को अजड़त्वात्मिका कहा है, अजड़ रूप कहा है। यह भगवान आत्मा जीवत्व शक्ति के कारण जीव है और चिति शक्ति के कारण अजीव नहीं है, जड़ नहीं है, ऐसा अस्ति नास्ति भी लिया। जीवत्व शक्ति से जीव और चिति शक्ति से अजीव नहीं, चैतन्य रूप है। चिति शक्ति यह बताती है कि तू देह रूप नहीं है, जीवत्व शक्ति यह बताती है कि देह के संयोग से तेरा जीवन नहीं है, तेरा जीवन तो चैतन्य रूप भाव प्राणों से है। यह चिति शक्ति अर्थात चैतन्य रूप रहना आत्मा का लक्षण है
और जीवत्व शक्ति इस लक्षण से लक्षित किया जाने वाला, पहचाना जाने वाला लक्ष्य है। इस प्रकार यहाँ यह कहा गया है कि जीव जीवत्व शक्ति से जीवित रहता है और चिति शक्ति से चेतन रूप रहता है, जड़ रूप नहीं होता। माने जीवत्व शक्ति के कारण हम जीव कहेंगे और चिति शक्ति के कारण ये चेतन है, इस रूप में कहा जाएगा। अब दो शक्तियाँ लक्षण सहित अनाकार उपयोगमयी दृशी शक्ति, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। दृशी शक्ति कैसी है? अनाकार उपयोगमयी। अनाकार उपयोग मतलब क्या? पहले उपयोग मतलब क्या, क्योंकि उपयोग शब्द का प्रयोग दोनों में आया, अंतर किया अनाकार और साकार का। उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्यान विधायी परिणाम उपयोग कहलाता है। चैतन्य के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो चैतन्यान विधायी परिणाम, तो जो चिति शक्ति कही ना, वो चिति शक्ति का व्यापार कैसे होता है, क्रिया कैसे होती, कार्य कैसा होता है, उसके अनुसार होने वाला परिणाम कैसा होता है। चेतना का कार्य है जानना, प्रकाशित करना, प्रतिभास करना, अवलोकन करना। अलग अलग शब्दों में भले ही कहा गया, सीधा अर्थ है जानने का कार्य चैतन्यपने का। अजड़ कह रहे ना, जो जड़ है वे जानते नहीं हैं, और जो अजड़त्वात्मक चैतन्य शक्ति वो जानने वाला है। वो जो जानने रूप परिणमना है वो उपयोग है, वो चैतन्य का परिणमन वो उपयोग है। वह उपयोग दो प्रकार का होता है, अनाकार और साकार। तो अनाकार उपयोग व दृशी या दर्शन, और साकार उपयोग व ज्ञान, ज्ञान शक्ति के रूप में कहा। अब अनाकार माने क्या? अनाकार माने आकार नहीं होना, कोई आकार नहीं होना। तो कौन सा आकार नहीं होना? जैसे शरीर का आकार है, ऐसा आकार नहीं होना। अमूर्तिक का आकार, जड़ मूर्तिक पुद्गल का आकार कहा जाता है, और जो अमूर्तिक होते हैं उसको आकार नहीं कहा जाता है, वो उस अनाकार की बात करते हैं। दर्शन उपयोग अनाकार है और ज्ञान उपयोग साकार है। तो दर्शन उपयोग का कोई आकार नहीं है, ज्ञान उपयोग का आकार है। आत्मा में ज्ञान ज्ञान गुण भी है और दर्शन गुण भी है। ज्ञान गुण का आकार क्या है? ज्ञान गुण किस आकार में है? आदा नान प्रमाणम, आदा नान प्रमाणम। अब आगे मत लेना नानम नहीं प्रमाणम, फिर तो सर्वगत के रूप में ले गए उधर। लेकिन आत्मा ज्ञान प्रमाण और ज्ञान आत्मा प्रमाण, जितना ज्ञान उतना आत्मा, जितना आत्मा उतना ज्ञान। प्रवचन सार में तो यदि इससे गलत मानते हैं तो दिक्कत आती है, उसको तर्क युक्ति से कहा। जितना आत्मा है उतना ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना आत्मा है। आकार की अपेक्षा अपन अभी बात करते हैं। यदि ज्ञान बड़ा हो गया और आत्मा छोटा रहा, ज्ञान उससे ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा? तो वहाँ का जो ज्ञान बाहर निकला ना, वो कैसे रहेगा? निराधार, आधार नहीं रहेगा, तो रहेगा कैसे? इसलिए संभव नहीं है। यदि ज्ञान छोटा और आत्मा बड़ा हो गया तो जितना आत्मा बाहर रहेगा ना, ज्ञान से बड़ा रह गया, वो जड़ होगा, अचेतन होगा, तो आत्मा कैसे कहला सकता है वहाँ? इसलिए बिल्कुल जितना आत्मा उतना ज्ञान, जितना ज्ञान उतना आत्मा। तो आत्मा का जितना आकार जैसा है, आत्मा किस आकार में है? आत्मा का क्या आकार है? देह प्रमाण है, स्वदेह प्रमाण है, जिस देह में रहता है उसके आकार है, व्यवहार से इस आकार है, और निश्चय से असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात प्रदेश वाला वो असंख्यात प्रदेश उसका आकार कहलाता है। तो ज्ञान गुण कितना साकार है ना, कितना आकार उसका? उसका भी उतना ही आकार, व्यवहार से जिस देह में उसी आकार, और निश्चय से असंख्यात प्रदेश ही असंख्यात प्रदेश ही। लेकिन दर्शन तो अनाकार है, तो दर्शन का आकार कौन सा? अभी जिस अपेक्षा से ज्ञान के आकार पने की बात की,
उस अपेक्षा से दर्शन भी उतने ही आकार वाला है। अकेले दर्शन ही नहीं, सारे ही गुण उसके सभी, क्योंकि द्रव्य के गुण के और पर्याय के प्रदेश अलग नहीं होते हैं। जो द्रव्य का प्रदेश वही गुणों का और वही पर्याय का, वही प्रदेश है, कोई अलग अलग नहीं, इसलिए वही आकार। इसलिए ज्ञान जितने आकार वाला है, दर्शन भी उतने ही आकार वाला है। तो फिर दर्शन को अनाकार और ज्ञान को साकार क्यों कहा? कहाँ कहा? कहा है ना, ये पूरा पढ़ना चाहिए, अधूरा नहीं। क्या लिखा है? अनाकार उपयोगमयी कहा है। दर्शन को अनाकार नहीं कह रहे हैं, अनाकार उपयोगमय कह रहे, अनाकार उपयोग, और ज्ञान को साकार उपयोग कह रहे हैं। तो यहाँ अनाकार उपयोग और साकार उपयोग ये जानने की प्रक्रिया के संदर्भ में है। चैतन्य का कार्य जानना है, चैतन्य का परिणमन जानने रूप होता है। वह जानना दो तरह से होता है। एक अनाकार माने कोई आकार का निश्चय किए बिना, गेयाकार रूप हुए बिना। अब वो गेयाकार में भी झंझट खड़ी होगी, छोड़ दीजिए। ये वस्तु कौन सी है ऐसा निर्णय किए बिना, ये वस्तु कौन सी है ऐसा विकल्प, विकल्प माने भेद, विकल्प माने मैं जानूं नहीं जानूं कैसे जानूं, इस विकल्प की बात नहीं करते हैं, भेद करते हुए, भिन्नता करते, विकल्प, ऐसा विकल्प न करते हुए, निर्णय न करते हुए, तो फिर क्या जाना? सत मात्र जानना है, इतना मात्र जानना। और चूंकि सत 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 है ऐसा ही जाना जा रहा है, तो सबको ऐसे ही जानेगा, वह है मात्र जानेगा। इसलिए इसी को कहा गया वह सामान्य जानता है, सामान्य। तो तीन चार शब्दों का प्रयोग हुआ। एक वह सामान्य सतरूप ही जानता है ये वस्तु कौन सी है, ऐसे उसके स्वरूप का निर्णय नहीं करता। तो स्वरूप का निर्णय नहीं करता, इसका नाम है आकार का निर्णय नहीं करता। स्वरूप, वह आकार शब्द स्वरूप के लिए, उस निर्णय के बिना करता है, इसलिए उसे अनाकार कह रहे हैं। तो सत सामान्य जानता है, द्रव्यों में भेद करते हुए, जीव है अजीव है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है, ऐसा भेद न करते हुए जानता है, विकल्प न करते हुए जानता है, इसलिए उसे निर्विकल्प कहते हैं। वह निर्णय से रहित है, इसलिए भी कोई शब्द आया निर्विकल्प। निर्विकल्प, निर्विकल्प का अर्थ निर्णय भी लिया है, विकल्प अब मैंने भेद शब्द किया, लेकिन विकल्प का अर्थ निर्णय के रूप में लिया, और उसे निर्विकल्प भी कहा। वो इस निर्णयात्मक नहीं करता, इसलिए निर्विकल्प भी कहते हैं। निर्विकल्प, निराकार, सामान्य अवलोकन, ये कार्य दृशी शक्ति का होने के कारण से उसे अनाकार उपयोग कहते हैं। और ज्ञान इससे अविपरीत कहना तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इससे और विशिष्ट, ये वस्तु कौन सी है, हर वस्तु को उसके आकार सहित। अब यह आकार का अर्थ धर्म द्रव्य लोकाकाश प्रमाण है, अधर्म द्रव्य लोकाकाश प्रमाण है, काल द्रव्य एक एक रैणानम राशि में, एक एक प्रदेश में एक एक खचित है, वो आकार से संबंध नहीं। चैतन्य लक्षण वाला जीव द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल द्रव्य है, गति हेतुत्व वाला धर्म द्रव्य है, ये उनका स्वरूप है, हर एक द्रव्य का अपना अपना, वह स्वरूप ही उनका आकार है। और उस द्रव्य को उस आकार अर्थात स्वरूप के निर्णय सहित जानता है ज्ञान, इसलिए वह साकार उपयोग वाला है, साकार उपयोगमय। तो साकार उपयोगमय और कितना, गुरुदेव ने तो इतना भेद भेद करते हुए जानता है ना, ज्ञान की शक्ति कितनी जानने की। ये छह द्रव्य जाति अपेक्षा छह है ना, तो ऐसा हर एक को अलग अलग जाना, स्वरूप सहित अलग अलग जाना। अब उसमें से जीव द्रव्य, तो जीव जीव जाना ना, नहीं ऐसा नहीं जानेगा,
जीव में ये संसारी है, मुक्त है। अब संसारी में त्रस स्थावर है, जितने भेद हो सकते हैं उन सारे भेदों सहित, भिन्नता सहित, स्वरूप सहित, आकार सहित, जिसका जो स्वरूप है। अब कहते हैं और अंदर आते हैं, अब वो जीव द्रव्य को जाना है ना, जीव द्रव्य को भी, वो उस द्रव्य के भी द्रव्य गुण और पर्याय, तो द्रव्य गुण पर्याय ये जानना। अब गुणों में गए तो गुणों में भी ये ज्ञान गुण है, ये दर्शन गुण है, ये चारित्र गुण है, सुख गुण है, वीर्य गुण है, ऐसे अनंत गुणों को अब उनके भी आकार सहित जान रहा है। उनको आकार माने ज्ञान का कार्य क्या है, दर्शन का कार्य क्या है, इन इन सबके साथ जानता है भेद सहित। अभी और अंदर जाते हैं, एक ज्ञान गुण लिया, अब ज्ञान गुण की पर्याय कितनी, ज्ञान गुण की ये मति ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान है, ये अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, उनको सबको अलग अलग जानता है। अब मति ज्ञान में भी कितने भेद हो जाते हैं, 336 भेद, और 336 भेद में वो एक एक को भी लोगे तो उसका भी जो विषय बनता है ना, वो हर एक 336 प्रकार से जान रहा है वो, और जिस जिसको विषय बना रहा है हर एक को निर्णय पूर्वक जानना, ये ज्ञान का कार्य है। इसलिए उसको कहते साकार उपयोग में ही। और थोड़ी सी बारीकी में गए, उन पर्यायों में भी और क्या होता है, पर्याय का भी भेद हो सकता ना, कि पर्याय की जो एक पर्याय की शक्ति होती है उसको कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। एक पर्याय में भी वो जो अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं उनको अविभागी प्रतिच्छेदों सहित जानना, इतना जानना, इतने आकार करते हुए, इतने सब जानते हुए, ये ज्ञान जानता है, ज्ञान की शक्ति है। तो साकार उपयोग इस दृष्टि से उसे साकार उपयोगमय ज्ञान शक्ति कहा, अनाकार उपयोगमय दृशि शक्ति और साकार उपयोगमय ज्ञान शक्ति। दृशि शक्ति जो और ज्ञान शक्ति ली है वह दर्शन गुण और ज्ञान गुण के रूप में ही लिया है, दर्शन और ज्ञान गुण। लेकिन यहाँ जो दर्शन गुण लिया हुआ है वह दर्शन दर्शन उपयोग वाला लेना है, श्रद्धा वाला नहीं लेना है। तो श्रद्धा वाला श्रद्धा गुण भी तो है ना आत्मा में, चारित्र गुण भी तो है आत्मा में, श्रद्धा और चारित्र। तो यहाँ दर्शन ले लिया, ज्ञान ले लिया, आगे कौन सा गुण आने वाला है मालूम, अगली सुख शक्ति आएगी, उससे अगली कौन सी शक्ति है, वीर्य शक्ति। तो दर्शन ज्ञान सुख वीर्य ये तो गुण आ गए, ये मुख्य गुण। लेकिन इसके साथ साथ श्रद्धा और चारित्र भी तो आत्मा के गुण हैं, इसी लेवल के मोक्ष मार्ग में कारण बनने वाले श्रद्धा ज्ञान चारित्र, तो उसमें श्रद्धा और चारित्र भी तो है। उन गुणों को कहाँ लिया, लिया कि नहीं लिया, कैसे लिया, पुनः एक बार 47 शक्तियों के नाम पढ़ लेना और खोजने की कोशिश करना, श्रद्धा और चारित्र कहाँ हैं, किस रूप में हैं, उसकी अपन बात कल करेंगे। अभी यहाँ दृशी शक्ति कहाँ, दर्शन जो लिया है वो श्रद्धा वाला नहीं है, ये सामान्य अवलोकन वाला जो दर्शन गुण है, और विशेष अवलोकन विशेष जानने वाला जो ज्ञान है वो दर्शन ज्ञान, इन दो गुणों को दो शक्ति के रूप में लिया हुआ है। अब यहाँ जो विशेष दिया हुआ है उसे पढ़ करके आज की चर्चा अपन पूरी करेंगे। दृशी शक्ति और ज्ञान शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है, अनाकार उपयोगमयी दृशी शक्ति है और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति है, जिसमें गेय रूप आकार अर्थात विशेष नहीं है, ऐसे दर्शन उपयोगमयी सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने रूप, उपयुक्त होने रूप, ये उपयुक्त शब्द का अर्थ क्या, उचित है, सूटेबल है, ऐसा नहीं है। उपयुक्त माने जुड़ना, उपयोग से उसके साथ जुड़ना, पदार्थ में हमारा उपयोग लगा और उससे उसका जो दर्शन हुआ, सामान्य दर्शन की बात कर रहे हैं, सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने रूप,
बस सत्ता को जानने के लिए हमारा उपयोग उधर गया, सत्ता मात्र का निर्णय किया, ऐसा ये दर्शन क्रिया रूप दृशी शक्ति है। गे शब्द तो कहा, गेय रूप आकार, ये ज्ञान की तरफ से गेय कहा है, और दर्शन की तरफ से कहा जाता तो वैसे क्या कहते हैं उसे, दृश्य कहते हैं, लेकिन उसे सतमात्र जाना जा रहा है। किसे? जिस किसी की तरफ हमारा उपयोग गया, बाद में ज्ञान उसका निर्णय करने वाला है, आगे ज्ञान चल करके उसका निर्णय करने वाला ये है, तो वो गेय कहलाएगा। लेकिन उसी गेय को, उसी पदार्थ में बिना भेद किए, बिना विशेष किए मात्र सत्ता रूप से जान रही वो दृशी शक्ति है। और दूसरी तरफ जो गेय पदार्थों के विशेष रूप आकारों में उपयुक्त होती है, आकार की बहुत विस्तार से चर्चा की, माने उनके स्वरूप सहित जो निर्णय करती है वह ज्ञानोपयोगमयी ज्ञान शक्ति है। ध्यान रहे, यहाँ शक्तियों का प्रकरण होने से सामान्य अवलोकन रूप दर्शन गुण को दृशी शक्ति और विशेष जानने रूप ज्ञान गुण को ज्ञान शक्ति कहा है, क्योंकि शक्ति की चर्चा कर रहे इसलिए शक्ति कहा, लेकिन दर्शन गुण और ज्ञान गुण ही है। इस प्रकार जीवत्व शक्ति में यह बताया था, यह आत्मा त्रिकाल अपने चेतन प्राणों से जीवित रहता है, और चिति शक्ति में यह बताया था कि यह जड़ रूप नहीं होता, तथा दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति में यह बताया जा रहा है कि आत्मा का वह चेतन स्वरूप सामान्य ग्राही दर्शनोपयोग और विशेष ग्राही ज्ञानोपयोग रूप है। जीव अनादि अनंत काल तक जीता है, तो जीता है तो क्या करता है, जीवित है जीता तो क्या करता है, चैतन्य करता है, चेतना का कार्य करता है। तो चेतना का कार्य करता है माने क्या करता है कि जानता देखता है, निरंतर जानने देखने रूप से परिणमता रहता है। अब वो जो जानने देखने रूप परिणमता है, इतना सा अंतर है, जब तक छद्मस्त होता है तब पहले दर्शन, दर्शनोपयोग और फिर ज्ञानोपयोग। दर्शन पूर्वम नानम छदुमत्थानम न दुर्नि वो होगा, छद्मस्तों को दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, और जब केवल ज्ञानी केवल दर्शन वाला हो जाता है, पूर्ण छद्मस्तता नहीं रहती है, पूर्णता हो जाती है, तब ज्ञान दर्शन युगपत हो जाते हैं, एक साथ होते हैं। लेकिन वह जानता जानना देखना, जानना देखना, एक क्षण के लिए भी जानना देखना रुकता नहीं है। यदि जानना देखना एक क्षण के लिए भी रुक गया तो क्या होगा, चैतन्यपना नहीं रहेगा, और चैतन्यपना नहीं रहेगा तो जीव ही नहीं रहेगा, इसलिए वो निरंतर ये दोनों कार्य करते रहते हैं। यह भगवान आत्मा लक्ष्य रूप जीवत्व शक्ति, लक्षण रूप चिति शक्ति, और चिति शक्ति के ही विशेष देखने जानने रूप उपयोगमयी दृशी शक्ति और ज्ञान शक्ति से संपन्न होता है। इस भगवान आत्मा को जीवत्व शक्ति के कारण जीव, चिति शक्ति के कारण चेतन, और ज्ञान व दृशी शक्ति के कारण ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। तो तीनों के अलग अलग नाम हो गए, जीवत्व शक्ति के कारण जीव। एक विवक्षा ये भी समझ लीजिए, साधवाद अधिकार भी चल रहा है ना, कर्ता कर्म अधिकार में अंतिम प्रकरण सकल नए संन्यास की, सकल नए संन्यास माने सकल नए संन्यास की भावना को अमृतचंद्र आचार्य ने नचाया, कि नए पक्ष नहीं होना चाहिए, नयों का विकल्प नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे कलश लिखे, करीब 19 कलश लिखे, उसमें एक कलश ये भी आता है, एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वा विति पक्षपातो, यस्तत्ववेदी च्युत पक्षपाता तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एकस्य जीवो माने एक नहीं कहता है, जीव है, और एकस्य जीवो न तथा परस्य,
और दूसरा नहीं क्या कहता है, न तथा माने जीव नहीं है। किसके बारे में बात चल रही है, चिति द्वयोर्द्वा विति पक्ष पातों, वह चैतन्य स्वरूप आत्मा के संदर्भ में ही ये दो पक्षपात है। वह चैतन्य स्वरूप आत्मा उसको एक नहीं कहता है जीव है, और एक नहीं कहता है न तथा कि जीव नहीं है। तो जीव है इसमें तो दिक्कत नहीं है, आत्मा तो जीव है, लेकिन जो दूसरी विवक्षा कह रहे जीव नहीं, उसका क्या अर्थ समझना। तो उसका अर्थ जो है यही समझना, ये कह रहे ना जीवत्व शक्ति से उसे जीव कहते हैं, तो अन्य शक्तियों की अपेक्षा क्या कहेंगे, वो नाम जो देंगे जीव नहीं कहेंगे ना। तो वो कह रहे कि न तथा उनकी अपेक्षा देखा जाए तो जीव नहीं है। चिति शक्ति से क्या है, चेतन है, जीव नहीं है, तो वो जीव नहीं इस रूप में वहाँ कहेंगे। तो चिति शक्ति से चेतन कहा जाता है, और ज्ञान दर्शन से ज्ञाता दृष्टा आत्मा बन जाओ परमात्मा। महावीर जयंती पे अभी नारे लगाए होंगे ना, ज्ञाता दृष्टा आत्मा बन जाओ परमात्मा, तो ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मूल प्रयोजन भूत जीवत्व रूप भगवान आत्मा का स्वरूप अब धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। जीव को पहचानना है, चैतन्य लक्षण से पहचानना है, लेकिन चैतन्य लक्षण प्रकट होना चाहिए ना, अकेला बस चैतन्य कह दिया ऐसा नहीं, उपयोग रूप। इसलिए अनुशीलन में जहाँ विस्तार से आप पढ़ेंगे तो वहाँ द्रव्य संग्रह की गाथा भी उद्धृत की है। जीव का लक्षण क्या है, उपयोगो लक्षणम, उपयोग है ना, कौन सा उपयोग के लिए, कौन सा उपयोग आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। अक्ष चदुनान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम धनियम व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धम पुण दंसनम ना। आठ प्रकार का ज्ञान, और आठ प्रकार का ज्ञान माने कौन सा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, पांच ही तो हुए, कुमति कुश्रुत कु अवधि, माने ये भी लक्षण है। यदि ये नहीं हो तो हम जीव कैसे सिद्ध हो, निगोद से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक सब कुमति कुश्रुत को अवधि तो कहाँ से आएगा, कुमति कुश्रुत वाले ही है, तो जीव कैसे थे। अरे उनमें दूसरा दर्शन उपयोग वाले भी चार प्रकार का दर्शन है, इनमें से कोई उपयोग हो, कोई भी उपयोग, तो जिस समय जिससे भी परिणमित हो रहा हो वही लक्षण उस समय कहलाता है। सामान्यम, सामान्य से लक्षण कहा जाता है, तो परिणमता हुआ ज्ञान दर्शन का परिणमन वह सीधा लक्षण है, वह चैतन्यपना है, उससे जीव लक्षित होता है। तो जीव का ही हमें निर्णय करना है, ज्ञान करना है, तो ये इस प्रयोजन की सिद्धि करने वाले कितने हुए, चार शक्तियों की बात हुई। परंतु जीव का जानना, जीव का लक्ष्य करना, जीव को पहचानना, इसका क्या, क्यों पहचानना, क्या आवश्यकता है जीव को पहचानने की, क्या प्रयोजन है। तो सबका एक ही प्रयोजन है, कोडरमल जी कहते हैं दुख न हो और सुख हो, इसलिए अगली शक्ति तत्काल सुख शक्ति लेते हैं, उसकी चर्चा अपन आगे कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी,
साची तो गंगा यह वीतरागवाणी अविचिन्न धारा निज धर्म की सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी साची तो गंगा यह वीत रागवाणी अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी जाके अवगाहन तें शुद्ध होए प्राणी जाके अवगाहन तें शुद्ध होए प्राणी भाग चंद नेह चें घट माहिया प्रमाणी साची तो गंगा यह वीत रागवाणी अविचिन्न धारा निज हे जिन वाणी भारती तो जपू जिन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। की